नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह शिक्षण का ही टर्म है, लेकिन वह एक विशेष आपके क्षेत्र में शिक्षण का टर्म है जिसे हम कहते हैं भाषा का शिक्षण। भाषा शिक्षण या जो लैंग्वेज आपकी पेडागॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका। भाषा शिक्षण आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपने दो लैंग्वेज चूज़ की होंगी अपने सीटेट के फॉर्म में। दो लैंग्वेज आपने चूज़ की, जैसे आपने या तो लैंग्वेज वन में हिंदी चूज़ किया होगा या इंग्लिश, लैंग्वेज टू में आपने या तो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत कुछ भी चूज़ किया होगा। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि वो 30-30 नंबर का दो पोर्शन आपको लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में करना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि ये आपके 60 नंबर क्या है भाषा से, लेकिन कैसे इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नंबर हमें कहाँ से गिनेंगे। अब इसमें आपको पता है 15 नंबर इसके जो इस सब्जेक्ट से आएगा और 15 नंबर इसके टीचिंग से, और इसमें भी 15 नंबर आपके इसके सब्जेक्ट से आएगा और 15 नंबर किससे आएगा, इसके शिक्षण से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके मामले में। कुल आपके 15 दुनी 30 नंबर का आपका भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण है और जिसके लिए आपको अभी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपका लैंग्वेज विद वन बहुत ईजी हो, जैसे बहुत लोग हिंदी मीडियम के होंगे तो उन्होंने हिंदी चूज़ करी होगी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शिक्षण पढ़ते रहे। ठीक है, हमने लैंग्वेज वन में जो चूज़ किया, तो आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज वन हमेशा क्या होती है, कठिन आती है, क्योंकि ये आपने पहले प्रेफरेंस दिया तो वो पे जानते कि आपको ये भाषा ज़्यादा आती है इसलिए आपने चूज़ किया, तो इसके जो प्रश्नों का स्तर होता है वो कठिन होता है। और जो लैंग्वेज टू होती है इसके अपेक्षाकृत कुछ क्या होती है, सरल होती है। लेकिन जो इनका शिक्षण है वो दोनों का लगभग क्या है, रिमेन सेम आपको मिलेगा। अर्थात हमें ये अध्ययन करने की आवश्यकता है कि भाषा में जो शिक्षण है उससे हम क्या समझते हैं या कैसे भाषा शिक्षण के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ टर्म इसमें आपको याद करने, जैसे जब भी शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या होता है, सीखना और सिखाना। तो भाषा शिक्षण क्या होगा, भाषा को सीखना या सिखाना। तो जब भाषा को सीखने या सिखाने की बात होती है तो पहले कक्षा में जाने से पहले आप क्या करते हैं, योजना बनाते क्या बनाते हैं, पाठ योजना। तो जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों, स्टेप आपके वही होते हैं। आप लिखते हैं विद्यालय का नाम, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपका टॉपिक रहता है ना, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उद्देश्य, फिर सामग्री, फिर आपका जो पूर्व ज्ञान, फिर यहाँ प्रस्तावना के प्रश्न, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो टर्म आता है वो प्रस्तुतिकरण आता है, मतलब आप जहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो याद करने वाला चीज़ है तो बाकी चीज़ें सब सेम है, लेकिन जो भाषा का जो उद्देश्य होगा भाषा पढ़ने का वो अन्य से भिन्न होगा, और यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अन्य से भिन्न होगा। यहाँ हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उद्देश्य कैसे भिन्न होंगे। तो आपको पता है उद्देश्य दो होंगे इसके, सामान्य और विशिष्ट। अब देखिए सामान्य उद्देश्य आपके, जैसे मान लीजिए हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी से रिलेटेड होंगे कि हाँ कलात्मक भावना, आनंद की अनुभूति, रसों का अनुभव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप जनरली सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और विशिष्ट में आपका जो होता है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक, या आप करते हैं जो जनरली यूज़ करते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, इस प्रकार के आप विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपका रहता है उससे हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का लेखन करते हैं। तो अन्य से ये डिफर हुआ। दूसरी चीज़ जो इसमें डिफर है वो आपको समझने की आवश्यकता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की यहाँ व्याख्या करते हैं। जैसे हमें कंटेंट मिला एक, ये 8 लाइन की क्या है आपकी कविता, मान लीजिए यहाँ पे कविता हमें मिली, तो हम क्या करते हैं, पहले आपका जो एक टर्म यूज होता है यहाँ पे वो होता है आदर्शवाचक, आदर्शवाचक। दूसरा टर्म जो यहाँ यूज होता है मौन वाचन। तीसरा टर्म जो यूज होता है सस्वर वाचन। अब देखिए ये सीक्वेंस अलग होता है लेकिन ये तीनों वाचन यहाँ पे यूज़ होते हैं। अन्य में क्या आपने अभी कहीं देखा कि कहीं वाचन शब्द का यूज़ हुआ, नहीं, लेकिन भाषा में वाचन शब्द का यूज़ होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को बताते हैं आदर्श वाचन, मतलब वास्तव में जैसे उसको बोलना है, जैसे गा के
कह के एक टोन में किसी शब्द को कैसे उच्चारण किया जाता है, तो शिक्षक है तो उसको कुछ तो नॉलेज हो गई, जो स्टूडेंट है उनकी अपेक्षा, तो वो क्या करता है एक आदर्श वाचन करता है कि इस 8 लाइन जो स्टैंडर्ड है इसको किस प्रकार से पढ़ना है। अब ये जो किया, अब उसके साथ फिर एक ऐसा टर्म आता है कि बच्चों के साथ सब लोग एक साथ या बोल के मतलब स्वर के साथ वो सस्वर वाचन होता है। फिर आपका जो तीसरा टर्म होता है वो क्या होता है, मौन वाचन होता है। तो मौन वाचन में आपका दो प्रकार का होता है, द्रुत और गंभीर। ठीक है, द्रुत और जो आपका गंभीर होता है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मौन वाचन। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या द्रुत है क्या गंभीर? अब मन में पढ़ रहा है तो कुछ भी पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। बच्चे कहते हैं दोहराओ, और अगर कहते हैं कि नहीं पूछेंगे आज, तो वो दोहराता ही नहीं, बैठा रहता है चुपचाप, तो आपको लगता है वो पढ़ रहा है। लेकिन एक कंडीशन होती है आपकी कि ये बताया जाए कि हाँ ये वाचन हो रहा है, तो उससे मौन और द्रुत दो प्रकार की कंडीशन इसमें होती है। अगर जल्दी जल्दी और सार रूप में किसी चीज़ को ग्रहण कर ले तो उसको कहेंगे द्रुत, और किसी चीज़ को समझ के आराम से जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ें तो वो होता है आपका गंभीर मौन वाचन। तो दो प्रकार के क्या होते हैं आपके वाचन होते हैं। अगर आपके विधियों की बात की जाए, जब यहाँ पे हम शिक्षण करते हैं तो बहुत प्रकार की आपकी विधियाँ शिक्षण में यूज़ होती हैं। अगर देखें हम मोटा मोटा तो कौन कौन सी विधियाँ किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके कुल 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पठन, एक होता है लेखन, ठीक है, फिर एक होता है अभिव्यक्ति, और एक होता है वाचन। 4 आपके क्षेत्र हुए इस भाषा के। कौन कौन से? पठन, लेखन, अभिव्यक्ति और वाचन। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके भाषा शिक्षण में। हम कहाँ कौन सी विधि से किस चीज़ को बच्चे को सिखाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। जब हम पठन की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ जैसे किताब पढ़ना या किसी चीज़ को पढ़ना, ये रख दीजिए, किसी चीज़ को पढ़ना। तो यहाँ पठन में जब क्या आया कि बच्चे को पढ़ना हमें सिखाना, लेखन में क्या करना है किसी चीज़ को लिखना सिखाना है, मतलब कैसे बच्चा लिखेगा ये हमें उसको सिखाना है। अभिव्यक्ति में वो जो भाषा आपने सिखाई, यहाँ भाषा है ना, उसकी अभिव्यक्ति कैसे कर सकेगा, ये आपका अभिव्यक्ति का पोर्शन होता है। उसको बोलेगा कैसे, मतलब बोलना कैसे, वाचन, वो आपका ये टर्म है। तो वाचन और अभिव्यक्ति में अंतर, वाचन मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपनी फीलिंग को क्या करना, किसी के सामने जाहिर करना। तो ये टर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम इसका अध्ययन करेंगे कि कौन से आपके जो स्टेप में कौन सी विधि हम यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम देख लेंगे क्योंकि एक माइंड मेकअप आपका होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका टर्म दिया हुआ है, और इसे लेखन, तो यहाँ पे कई प्रकार के लेख होते हैं। एक होता है सुलेख, ठीक है, एक होता है अनुलेख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप लिखते हैं तो कोई बहुत सुंदर कहते हैं सुलेख लिखिए, या आप सुंदर जो सेंटेंस है आप उसको लिखिए तो वो सुलेख हो जाएगा। अनुलेख क्या है, किसी चीज़ को देख के उसको उतारना, जिसको कहते हैं कॉपी करना। तो बहुत सारे टर्म आपके होते हैं इसमें भी कि लेखन आपको कैसे करना, तो इसमें आप बहुत सारी विधियों से इसको सिखा सकते हैं, जैसे अभ्यास करा के लिखा सकते हैं, चीज़ों को देख के देखो और लिखो, तो बहुत सारी इसमें विधियाँ आती है। पठन में क्या होता है, तो पठन में भी आपका आप समझिए किताब पढ़ने का, शब्द कैसे पढ़ाना है उसको बनाना, वर्ण कैसे वो पढ़ेगा, मात्राएं कैसे लगाएगा, उससे वाक्य कैसे बनाएगा, कैसे कविता पढ़ेगा, कैसे उसको गद्य पढ़ना है। तो ये पढ़ने का जो तरीका है, मतलब वो जो अक्षरों का ज्ञान वो पढ़ रहा है उसका होना, वो भी कई विधियों से हम उसको सिखाते हैं कि ये पठन की विधियाँ होती हैं। अब बात आती है वाचन की, तो अभी मैंने बोला कि कौन कौन से वाचन थे, मौन वाचन, सस्वर वाचन और आपका आदर्श वाचन। तो
में भी ये कई प्रकार के वाचन होते हैं, तो इसमें हमें सिखाना क्या है कि बच्चा वाचन कैसे करता है, मतलब ये जो बोल रहा है वो बोलने का उसका लहजा, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार का है। स को स ही बोल रहा है कि श बोल रहा है, तो श अपनी जगह बोले, स अपनी जगह बोले, हर वर्ड को कैसे उसको प्रिटेंड करना, किसी शब्द को बोलने में उसको कठिनाई ना हो, तो यहाँ पे हम बहुत सारी विधियों से उसको वाचन करना सिखा। और बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो अभिव्यक्ति होती है होती, तो अभिव्यक्ति में क्या करते हैं हम, देखते हैं कि वो अपनी फीलिंग को उस भाषा में कैसे एक्सप्रेस करता है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एक हमारी मातृभाषा होती है। तो जब हम मातृभाषा से किसी अन्य भाषा में जाते हैं, चाहे वो आपकी हो सकता है, मेरी जैसे भोजपुरी है, तो आपको लग रहा होगा कि जब मैं पहली बार मैं विद्यालय गई होंगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हुई होगी कि खड़ी बोली मुझे अजीब लगती होगी। तो वो हिंदी जो थी वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि उसके शब्द और मेरे भोजपुरी के शब्द मिलते थे। लेकिन जब मैंने इंग्लिश सीखी तो मैं जब कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती थी तो इंग्लिश में वर्ड ही नहीं मिलते थे, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती। लेकिन यहाँ जब भाषा हम सिखाएंगे तो इसीलिए ठीक है, बोल लेना, पढ़ लेना और लिख लेना अलग है, लेकिन उसको अपनी जो भाव है उसको व्यक्त करने के लिए आपको चाहिए कि कई मेथड से टीचर पढ़ा सकता है कि उस भाषा को व्यक्त कैसे करना। ये जनरल आपका इंट्रोडक्शन है, आप इसको बहुत शॉर्ट में भी समझ सकते थे, लेकिन मुझे ये बताना है कि आपको पढ़ना कैसे है, और इन्हीं से रिलेटेड आपकी कई चीज़ें आती। अब इसे विधियाँ आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, डॉक्टैट मेथड, और भी आप आगमन निगमन भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पर्टिकुलर, जहाँ एग्जाम्पल है आपका कोई ऐसा पोर्शन है गद्य का जहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बच्चे को बताएंगे ऐसे ऐसे कंडीशन, तो इसमें भी ऐसी है। तो ये चीज़ें आप कई मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। व्याख्यान मेथड इसमें इंपॉर्टेंट होता है जब चीज़ों को व्याख्या के रूप में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अध्ययन करना है कि किसी भाषा को बच्चे को कैसे सिखाना है ताकि वो संप्रेषण कर पाए उस भाषा में, मतलब अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है। उसने सीख लिया अभिव्यक्त करना, लेकिन उसको लिखना नहीं आता तब भी दिक्कत, तो लिखना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे, बोलना भी सीखे। और अभिव्यक्ति इसमें अलग से भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो अपने भावों और विचारों को भी उस भाषा में व्यक्त कर पाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है।